सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटीक्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लक्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। 1-800-21-23-494 पर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक जो वर्डिक्ट दिया गया था कि SOL बननी है, हरियाणा के हित में ये फैसला दिया गया था, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए एक सुनवाई जो चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अवसर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री आपस में बैठ करके और इसके एग्जीक्यूशन का कोई रास्ता निकालें, और इसके लिए 4 महीने का समय दिया गया है। January 23 में अगली तारीख है। इस संदर्भ में पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो हम लोगों ने पंजाब के मुख्यमंत्री को उस समय पत्र लिख करके एक मीटिंग करने की बात कही थी। कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी और हम दोनों मुख्यमंत्री, तीनों की बैठक हुई थी, लेकिन उस कंटिन्यूएशन में कोविड के कारण से अगली बैठकें नहीं हो पाई। अभी जो बाद की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की 6 सितंबर को जो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 महीने के अंदर अंदर बैठक करके और कोई फैसला किया जाए या कोई रास्ता निकाला जाए, उसका कोई अल्टरनेटिव भी है तो भी ढूंढा जाए, उसी संदर्भ में पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ आज हमारी बैठक थी। लेकिन उस बैठक में कोई इस प्रकार का विषय सहमति का तो नहीं बन पाया है कि SOL बनाने के लिए कोई रास्ता पंजाब हमको सुझाए या हमारे सुझाव पर पंजाब उसको सिरे चढ़ाए, क्योंकि उन लोगों का मत पानी के बंटवारे का ये पहले रखने का था। हमारा मत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है अपना SOL बनाने का, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उस पर ही बातचीत की जाए, इस पर उनकी सहमति नहीं थी। तो अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट को कहने के लिए हमको भी अपना कहना कि आपस में मुख्यमंत्रियों की बातचीत में इस प्रकार का कोई विषय सहमति नहीं बन पाई है। अब हम ये रिपोर्ट केंद्रीय वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर श्री गजेंद्र शेखावत जी को हम उनको बताएंगे। इसके अतिरिक्त भी कुछ विषयों पर चर्चा हुई है, भले ही विषय छोटे थे, लेकिन आपसी सहमति अगर बनाने के लिए कोई रास्ता निकले जिसके अंदर पानी जो हमारा बंटवारा आपस में जो पहले से जिन भी ज्वाइंट ऐसे स्थानों से डिस्चार्ज होता है वहाँ पानी की मेजरमेंट के लिए RT दास इसके सिस्टम को लागू किया जाए। इसी प्रकार से एक लिसाड़ा नाला है, वो भी पंजाब का नाला है, वहाँ उनको कोई कठिनाई है, उसका भी कोई रास्ता निकाला जाए। गग्गर नदी, इसमें भी जो पोल्यूटेड वाटर है उसको साफ करके, चाहे STPs हैं चाहे CETPs हैं, उस पानी को रियूज़ करने के लिए अपने अपने एरिया में पानी रियूज़ भी करना है तो भी कर सकें, लेकिन साफ पानी उसके अंदर आए इसके लिए क्रम से हम लोग हिमाचल और हिमाचल के साथ चंडीगढ़, इनको साथ जोड़ते हुए हरियाणा का पंचकुला जिला, अम्बाला जिला और ऐसे ही पंजाब के जो ज़िले हैं इधर से टॉप से होते हुए इन स्थानों से इस काम को शुरू करके और घग्गर की एक पानी की जो स्वच्छता है उसको बनाए रखने के लिए भी शीघ्र इस पर कार्य योजना बनाई जाएगी। तो ऐसा ये विषय है, ये एक कमेटी उसके लिए बनाई गई है, दोनों प्रदेशों के इरीगेशन के अधिकारी और इंजीनियर्स, इनके कमेटी वो बैठ कर चर्चा करेगी। लेकिन इस विषय में जो विषय मुख्य विषय था वो SOL का था। SOL एक महत्वपूर्ण विषय होने के नाते से आज की बैठक की शुरुआत की गई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया उस पर कोई स्पष्ट ऐसा निर्णय हमारा नहीं हो पाया है